किस कारण से मुरल कुमार के ऊपर केस हुआ है, अब बाबा के ऊपर किस कारण से केस हुआ है? देखिए कोई ना कोई विवाद तो है, क्योंकि झूठ बना उसको फायदा है। नहीं झूठ तो यहाँ नहीं है, और अब जो है ये एक संस्था है, संस्था के माध्यम से जो कमेटी बना हुआ है, कमेटी की ये मंदिर का देख रेख जो है न्यास बोर्ड के माध्यम से होता है। आज 12-13 साल से न्यास बोर्ड को एक भी रुपया वहाँ नहीं जा रहा है। बाबा जो है यहाँ किस तरह बाबा रह रहे हैं यहाँ पर, तो बाबा ही बताएंगे, हम तुम्हें बता सकते हैं। बाबा नहीं बताएंगे, क्या नाम होगा? अजीत कुमार। अब हम लोग चलते हैं यहाँ के और बाबा है, बाबा से ही जानकारी। बाबा सबसे पहले आभार प्रकट देंगे आप मंदिर मंदिर को आप और मंदिर छोड़े कितना दिन हुआ? हमको 10-12 वर्ष हो गए, इसमें कुआ दिया कि आपको मंदिर में नहीं रहना है, हम नहीं आएंगे, हमारा मंदिर है, हम नहीं आएंगे। तब से इस मंदिर में आ जाए आप लोग, आपका घर कहाँ हुआ? हमारा आपको सकरौल मंदिर आपका है, मंदिर आपका क्षेत्र का है, आपका हुआ, और आपको मंदिर से निकाल देना। बाबा का घर कहाँ हुआ? अब बताइए, 36 घर से आकर यहाँ रहकर और गांव का ही बाबा निकाल लेता है, तो बाबा आप समझ सकते हैं कि बाबा किस तरह का है। निकालने का क्या रीजन है आपको? कहने का मतलब है उनको हम जो 10 बरस अपने घर बारे बरसाई जब उनको आए 2005 में जब हुआ मंदिर बनवाया, जब हुआ तब से उन लोग आकर सुन रहे हैं, हम लोग हमको शिष्य बनाए, वहीं से आते थे तो कहते थे कि राम जी लड़के नहीं गए हम लोग बत्ती भय बा कहीं तो बत्ती जाइय लगना दिय आऊ कोई को जॉब कर रहे मालिक होंगे महत्व जिसको कहते हैं भानु भाग अपने चलते हमको शिष्य बनाए कि रहेंगे तो हमको सहारा मिलेगा, है ना। उसके बाद आपको निकाल दिया गया? हमको निकाल दिया गया, क्यों क्या रहो मत बोलो, हम बोल आप चुप रहिए। आपको निकाला कह गया है बताइए। भैया लाइव चला रहे हैं, भैया सब कोई फंस जाएगा, सब फंस जाएगा, जो जगह लाइव करेगा तो भाई लाइव चला रहे हैं। यहाँ बहुत हो रहा है, वो गाना बेच रहते हैं, इसी में गाना पीते हैं, बेचते हैं, गाना भी बेचते हैं, चोरा कर ले गया। 10 साल रखे ना, 10 साल
उसने एक मिनट जिस बाबा को 36 लाख में लिया कर मंदिर में